वो पैसे ना मैंने ना पूनम को दे दिए। उसकी सास बहुत बीमार थी ना, वो तो मनाली गई हुई है घूमने। आपको किसने कहा कि वो हॉस्पिटल में है? पचास हजार रुपए, मजा ही आ गया। इन रुपए से तो मैं क्या कुछ नहीं खरीद सकती। रमनीक को बोलूंगी ये पैसे चोरी हो गए। रमनीक, मैं ना मोंटी को पैसे देने जा ही रही थी, बाइक पे दो चोर आए और मेरे पैसे छीन के ले गए। ये अच्छा आइडिया रहेगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ा ना थोड़ा सा रोक के भी दिखा दूंगी। परफेक्ट परफेक्ट। लेटर दैट सेम इवनिंग। पुनीत, तुमने मोंटी के पैसे वापस नहीं करे क्या? अभी मुझे मोंटी का फोन आया था। क्या हो गया? रमनीक, आपको पता आज क्या हुआ? क्या हुआ? मैं जा रही थी उसके पैसे देने, दो चोर आए, मेरे भाई पैसे छीन के ले गए। अरे तुम तो ठीक हो, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? मैं ठीक हूँ रमनीक, मैं ठीक हूँ, शुक्र है भगवान का। तुम तो ठीक हो कम से कम। लेकिन अब मोंटी के पैसे कैसे वापस करेंगे? थोड़े दिनों बाद कर देना। अरे नहीं पुनीत, ऐसा नहीं कर सकते। वो मोंटी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, रोज फोन कर रहा है पैसों के लिए। उसके तो पैसे हर हाल में वापस करने पड़ेंगे। अच्छा सुनो, मैं ऐसा करता हूँ, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। मैं ना सुनील से बात करता हूँ। सुनील से पैसे उधार ले लेता हूँ और मोंटी के वापस कर देता हूँ, और फिर सुनील के धीरे धीरे पैसे वापस कर देंगे। यही ठीक रहेगा। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। बस मैं अभी आता हूँ सुनील के घर। ओके। लेटर। इतने सारे पैसे, मुझे तो लग रहा है मेरी लॉटरी लगने वाली है। ये 50,000 और अब और 50,000 आने वाले हैं, पूरे हो गए 1,00,000 रुपए। इतने पैसे तो मैंने कभी एक साथ देखे ही नहीं। Many tic tacs later. ले आया मैं सुनील से पैसे, ये रखो और इस बार ध्यान से मोंटी को पैसे वापस करके आना। हाँ ठीक है रमनीक, मैं ध्यान रखूंगी। अरे या सुनो, ऐसा करते हैं, तुम रहने दो, मैं ऑफिस जाते हुए मोंटी के घर देता जाऊंगा। अरे नहीं 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 रमनीक, आपका ऑफिस और मोंटी का घर तो अलग अलग डायरेक्शन में है, आप कहाँ जाओगे? मैं ही दे दूंगी। Later that same evening. पुनीत, आज तुम फिर मोंटी को पैसे देकर नहीं आई, उसका फोन पे फोन आ रहा है मुझको। क्या हो गया? आज फिर पैसे चोरी हो गए। फिर से? हाँ, मुझे ना वो ही चोर लग रहे थे। मुझे लग रहा है वो दोनों चोर मुझे फॉलो कर रहे हैं। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं उस मोंटी को क्या जवाब दूंगा? उसका फोन पे फोन आ रहा है मुझे। उसी का फोन होगा। अरे मोंटी का फोन है। अच्छा। हेलो हेलो मोंटी। रमनीक, तूने बात की भाभी से? अरे हाँ यार, मैंने आते ही बात करी थी और वो कह रही है आज फिर से पैसे चोरी हो गए। देख तू मेरा जिगरी यार है, मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, पर तू 2 दिन तक मेरे पैसे लौटा दे, वरना। वरना? वरना क्या? वरना हमारी दोस्ती खत्म ही समझ, और पैसे तो मैं तुझसे निकलवा ही लूंगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। मोंटी, मोंटी बात तो सुन। अरे अब क्या करूं, इसने तो धमकी दे दी, पता नहीं क्या करेगा। ऐसा करूं, रजत से उधार ले लेता हूं और इस बार मैं खुद जाऊंगा मोंटी के पैसे लौटाने। The next day,
लौटा दिए मॉन्टी के पैसे। मैं इतना शांत फील कर रहा हूँ ना आज। मैं मॉन्टी का अभी अभी उधार चुका के आ रहा हूँ। अब सिर्फ सुनील और रजत के रह गए हैं, वो भी धीरे धीरे करके चुका दूंगा। Later. अरे शनाया, यहाँ क्या कर रहे हो? आप ट्यूशन नहीं गए क्या? वो गई थी पापा। गई थी? कितने बजे गई थी? वो छह बजे। छह बजे? ये झूठ क्यों बोल रही है? 5 बजे तो मैंने खुद इसको गार्डन में खेलते हुए देखा था। Just then. मम्मा। हाँ जी बेटा। अभी ना पापा मेरी ट्यूशन क्लास के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा? हाँ, तो मैंने बोल दिया कि मैं 5 से 6 गई थी। ये आपने बहुत अच्छा किया बेटा। ठीक है, 5 से 6। ओके, आप जाओ। पुनीत, पुनीत। हाँ जी। मुझे सच सच बताओ, ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? शनाया ट्यूशन क्लासेस में जा रही है कि नहीं जा रही है? जा रही है ना रमनीक, रोज जाती है 5 से 6। पर उसी टाइम मैंने उसको पार्क में देखा था। रमनीक, आज उसकी छुट्टी थी, सिर्फ आज। पर उसने मुझे खुद कहा है कि वो ट्यूशन गई थी। बच्ची है, भूल गई होगी, ऐसे बोल दिया होगा। तो क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। Later. पुनीत। हाँ जी। ये लो 15,000 रुपए। 40,000 मैं तुमको पहले दे चुका हूँ, अब रह गए 10,000 रुपए। तो मैं 10,000 तुम्हें अगले हफ्ते दे दूंगा। तो उसके बाद तो तुम्हारा वो महंगे वाला फोन आ जाएगा ना? हाँ, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। इतने सारे पैसे, तो मजा ही आ गया। आज मैं महंगा वाला हेयर स्पा कराऊंगी, और मैं मूवी देखूंगी, और खूब सारी शॉपिंग करूंगी, और नए वाले स्टिलेटोस खरीदूंगी जो मुझे बहुत पसंद थे। आई, मजा आ गया। अभी बुकिंग कराती हूँ। हेलो, स्पा सेंटर। Several days later. अरे पुनीत। हाँ, चलो तुम्हारा फोन लेने चलते हैं। वो जो 10,000 रुपए कम पड़ रहे थे ना, मैंने इकट्ठे कर लिए। ओह नो, रमनीक ने जो पैसे दिए थे जोड़ने के लिए, वो तो मैंने सारे खत्म कर दिए। अरे पुनीत, कहाँ खो गई? अरे छोड़ो ना रमनीक, छोड़ो ना फोन को। क्या करना है फोन को, रहने दो उसको। अरे पर तुम्हारा इतना मन था फोन लेने का। लाओ मुझे पैसे दो, मैं ले आता हूँ। पैसे? हाँ पैसे, कहाँ है पैसे? रमनीक, वो पैसे ना मैंने ना पूनम को दे दिए। उसकी सास बहुत बीमार थी ना, हॉस्पिटल में थी, मैंने सोचा उसकी कुछ मदद हो जाएगी। चलो ये अच्छा किया तुमने। फोन का क्या है, फोन तो फिर ले लेंगे। The next day. ये आज शनाया को मैंने फिर गार्डन में देखा, आज फिर वो ट्यूशन नहीं गई। पता नहीं ये रोज उसकी छुट्टी कैसे हो जाती है। अरे पुनीत, पुनीत तुम्हारा फोन बज रहा है। कहाँ है? ये तो पूनम का ही फोन है, मैं ही उठा लेता हूँ। हेलो पूनम, कैसी हो तुम? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी सास कैसी है? उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई क्या? मेरी सास, वो तो मनाली गई हुई है घूमने। आपको किसने कहा कि वो हॉस्पिटल में है? Later. पुनीत, आखिर ये चल क्या रहा है इस घर के अंदर? तुमने मुझसे कहा कि तुमने पैसे पूनम को दे दिए, तुम्हारी वो बात भी झूठी निकली, और शनाया ट्यूशन क्यों नहीं जा रही आखिर? और तो और, मुझे तो अब ये भी लगने लगा है, जो मैंने 1,00,000 रुपए तुम्हें मॉन्टी को देने के लिए दिए थे, तुमने वो भी उसको नहीं दिए। सारे के सारे पैसे गए कहां पुनीत? पुनीत बोलो। आई एम सॉरी रमनीक, मैंने ये सारे के सारे पैसे अपनी शॉपिंग और मस्ती में लगा दिए। क्या? और इन सब चीजों की तुमने मुझे कानो कान खबर भी नहीं होने दी?
तुम्हें पता है मैं कितनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ और तुम्हारी इन सब हरकतों की वजह से मेरे ऊपर कितना कर्जा चढ़ गया है। तुम्हारी डिमांड्स पूरे करते करते मैं थक जाता हूँ और तुम शॉपिंग और मस्ती में पूरा पैसा उड़ा देती हो। अरे कम से कम शनाया को ट्यूशन तो ज्वाइन करवा देती। I'm so sorry, रमनीक। I'm so sorry। मैं पक्का आगे से ऐसे नहीं करूंगी रमनीक। मैं बिल्कुल पैसे वेस्ट नहीं करूंगी। मैं पैसे संभाल के रखूंगी। मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी रमनीक। मैं आप लोगों का पूरे मन से ध्यान रखूंगी रमनीक। मुझे माफ कर दो। अरे बाबा उठो तुम। ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। मतलब हमारा फुल फैमिली पार्टी मेकअप वीडियो हो चुका है लाइव हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। बहुत मस्त तैयार हुए हम सारे के सारे। वीडियो देखने के लिए क्लिक 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 क्लिक। बहुत अच्छी वीडियो है। क्लिक 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 क्लिक।